बैठूंगा जी। असल में पहले तो बड़ा क्लोज का छोटा था, तो ये अलीफ जो है ना, ये जो है मत, ये अलीफ के ऊपर थी, तो ये आगा है, इसको ठीक करा था। और कुछ किसी के पास जी? टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बनेगा जब पढ़ाएंगे जी, तो टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है जी, आपकी जगह का और हमारा शाम का जी, इसकी कोऑर्डिनेशन। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर ऐसा होता है कि आपके यहाँ जब लेट इवनिंग कराची में होती है, आज 8-9 बजे वहाँ दोपहर का वक्त होता है, जी जी, जो वक्त आप लिखेंगे वो लोकल कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करेगा। तो जब हाँ हाँ जब आप पढ़ाने बैठेंगे ना, तो ये आपको शो करेगा कि जी आपके स्टूडेंट के पास इस वक्त क्या टाइम है, और स्टूडेंट को शो करेगा कि टीचर के पास क्या टाइम है। बिल्कुल जी, इसीलिए तो वो मैचिंग करेगा ना, वो मिलाएगा स्टूडेंट को और वो उसके टाइम को। जो मतलब जो लिखा हुआ है जी, जैसे मैंने कहा कि अभी अगर तुम वैसे अगर आप जाएँ उर्दू पे क्लिक करें तो ये वेबसाइट है उर्दू में, आप तो लीजिएगा, लेकिन इसकी उर्दू जो है ये बहुत ही किसी भी पेज पे चले जाओ, ये कंप्यूटर की ट्रांसलेट की भी उर्दू है, तो इस पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। कुछ चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं कुछ नहीं, लेकिन मैं इसको प्रॉपरली आप मकसद ये है कि उनको आप रस्मों पद से आगा करेंगे सारे पेज को जी, तो उसका क्या तरीका होगा कि वो किस तरह से देखेंगे जी, जो जिस तरह से कुरान पढ़ाए जा रहे हैं आजकल स्काइप के ऊपर, इसी तरह से जो टीचर हैं वो दिखा सकेंगे अपने लेसन्स, और उनसे कह सकेंगे वो लिख के हमें दिखाएं, एक दूसरे को विजुअली देख सकेंगे जैसे आमने सामने रहते हैं। यहाँ तो रोमन रस्मों तक चल रहा है, नहीं नहीं रस्म खत होगा उर्दू का ही, रोमन तो हर एक को लिख रहता है, पाकिस्तान में तो रोमन रस्मों तक चल रहा है, इसलिए भी उर्दू लिखने की कोई ज़्यादा आसान कोई टूल अवेलेबल नहीं है। जी तख्ती तख्ती टाइप की कोई टीचर है हमारे पास, बस वही हमें चाहिए। अच्छा ये देखें, ये तक सर थॉमस आर्डन है जो कि यानी जो हम के पहले सदर थे जी, जब अंजुमन बनी थी तो जी हाँ शिवलिंग हमारी उसके मौसमत थे और सर थॉमस आर्डन पहले सदर। बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब, मैं तो जब से ये देख कर यही रहने आया था कि मैं हैरान हूँ कि दुनिया कैसे क्या हो जाएगी, और जब ये टेक्नोलॉजी के कमाल आप कहाँ से कहाँ दुनिया को पहुँचा रहे हैं, इतने फासले से मिट रहे हैं, और हम यहाँ बैठे हुए डायरेक्ट कैनेडा में बातचीत कर सकेंगे, और हमारे जैसे आज आप उस्मानी साहब ने बताया कि अनिल मसूद साहब से लाइव बराह रास्त वहाँ के लोगों की मुलाकात हुई, और ऐसा लगा कि वो वहीं मौजूद है कैनेडा में। ये तो बहुत ही हैरत अंगेज आप काम कर रहे हैं, और आपने तफसील भी सुनी। अभी प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होगा आप सोच लीजिए, और भी कोई सवाल जहन में आए तो आप आगे भी पूछ सकते हैं, उसका सिलसिला खत्म नहीं। मेरे साहब से बात की और कैसे साहब को इंगेज ही इसी काम के लिए किया है कि रिसर्च करके सही तरह से हमारे जीवन को पाए। इसके अलावा जो काम आप कर रहे हैं और जो आपने मुझे दो तीन चीज़ें बताई जो आप कर रहे हैं आपके इनिशियटिव में, मैं आपसे रबते में रहूँगा, और जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी राय से मैं बहुत क्लोजली काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये एक और काम है जो उसके साथ जुड़ सकता है, और इसमें वो कबाल भी नहीं है कि कोई इंडिया और पाकिस्तान की कंट्री है। तो मेरे जो महदूद वसाइल है मैंने सब कुछ अपने पर्सनल वसाइल से किया, लेकिन इसके आगे भी जो कुछ भी मैं कर सकूँ मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया।